पाँच मिनट आपको टाइम ज़्यादा दिया है, आप तशरीफ़ रखिए जी। नासिर हुसैन कुरैशी साहब, बिस्मिल्लाहिर रहमान शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जिसने ये जहाँ बनाया। ये पीपल्स पार्टी के लिए भी और पीटीआई के लिए भी, मुझे तोहफा तेरी उम्मीद नहीं तोड़ूंगा, मैं नाव किनारे तक नहीं मोड़ूंगा, उम्र भर मुझको परेशान किया है ए जिंदगी, मैं भी तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैडम स्पीकर, यहाँ पर बजट की बात करने से पहले एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो तनकीद है ये पीटीआई की लगाया हुआ 20 था जो आज आवाम भुगत रही है। ये इमरान खान ने जो यहाँ पर भूत छोड़ के गया है ये उसके नतीजे हैं, क्योंकि ये इतने बहादुर लीडर के सिपाही बैठे हुए यहाँ। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ये ऑर्डर इन द हाउस, ये इमरान खान के इतने बहादुर सिपाही बैठे हुए हैं, वो खुद तो अपनी गिरफ्तारी दे रहा नहीं है, आवाम को आगे लाके खड़ा कर रहा है, आओ आओ मुझे बचाओ। ये ऐसा लीडर है, लीडर ऐसे लीडर नहीं होते जो ये बात करने चले, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके से दोस्ती तो सबसे है, दोस्ती तुम लोगों से भी थी। ऑर्डर इन द हाउस, आप खामोशी से सुने उनकी स्पीच, आपका कोई भी मेंबर उनको जवाब दे सकता है, आप इस तरह से बैठे बैठे नहीं कर सकते, कोई भी मेंबर आपका उनकी स्पीच का जवाब दे दे। मैडम मैडम स्पीकर, सबसे पहले हम हेल्थ की बात कर लें, मैडम ने जो बातें की हैं यहाँ पर और जो प्रपोजल बताएं बेशक बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे मैडम से शिकवा भी है, वो ये कि मैडम को मैं यहाँ पर 5 से 6 बार अपने हलके के हॉस्पिटलों की निशानदेही करवा चुका हूं, लेकिन मैडम ने एक विजिट वहां पर करना मुनासिब नहीं समझा। यहां पर तो आके सब अच्छे अच्छे, लास्ट बजट के अंदर भी बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें, बड़ी अच्छी अच्छी बुकें दिखा दी थी, क्या प्रेटाबाद हॉस्पिटल को आके आपने एक दफा भी चेक किया? या मैडम ने वहां पर बता सकती है कि कितने डॉक्टर अभी मौजूद हैं, वहां पर स्टाफ मौजूद है, वहां पर कोई चीज मौजूद है? मैडम को बार बार निशानदेही करने के बाद मैडम ने हमेशा यह कहा हाँ मैं देखती हूँ, हाँ मैं देखती हूँ, लेकिन वहाँ पर अभी तक कुछ ऐसा इंतज़ाम नहीं है जो हम कह सकें कि प्रेटाबाद हॉस्पिटल के लिए बहुत अच्छा कोई काम किया है। प्रेटा उसके बाद हैदराबाद सिविल हॉस्पिटल की बात करते हैं जो कराची के बाद पूरे सिंध को कवर करता है, वहाँ पर ICU के बेड सिर्फ 12 हैं, ये बहुत अच्छी कारकर्दगी हेल्थ की। सिंध का दूसरा बड़ा शहर है हैदराबाद, वहां पर ICU का कोई निजाम नहीं है, जिसकी सोर्स हो वहां पर उसी तरीके से काम चलता है। ये पीपल्स पार्टी बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर हमेशा बुकें दिखा देती हैं कि हमने ये कर दिया ये कर दिया, लेकिन उस बुक के अंदर हैदराबाद कहीं है? आप इतनी बार मैं बोल चुका हूँ, हर स्पीच में बोल चुका हूँ, जिसके नाम से आपकी पार्टी चल रही है, जिसके नाम से आप खा रहे पी रहे हैं, बेनजीर फ्लाईओवर आज तक अनकम्प्लीट पड़ा हुआ है, 15 साल हो गए उसको, ये बहुत अच्छी आप लोगों की कारकर्दगी है। इसी तरीके से नजीर हुसैन हॉस्पिटल फुलेली, वहां पर भी आपने एक तो ये बहुत अच्छा सिस्टम किया हुआ सिंध हुकूमत ने कि हर चीज इंजो को दो, मैंने पिछली लास्ट स्पीच में भी कहा था कि सिंध हुकूमत को भी किसी इंजो के हवाले कर दो, वो थोड़ी बहुत गैरत खा के चल तो लेगी, यहां पर तो आपको कुछ भी बात कहें सुनते ही नहीं आप, और आपको क्या तजवीज दें? तस्वीर से पहले आप हमें बताएं तो सही कि क्या आपने बजट के लिए रखा है, तस्वीर हम अपने आपको क्या दें? आपको एक गरीब आदमी का एहसास नहीं है आपके यहां पर। मैडम स्पीकर, मैडम मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैडम स्पीकर यहां पर आपके सेक्रेटरी और वजीर 36 करोड़ का मंथली पेट्रोल यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी कारकर्दगी है, 36 करोड़। आपने कभी अपने हलके की आवाम से जाके पूछा है वो किस तरीके से बेरोजगारी का भूत अपने सर पे लेके चल रहे हैं? आटे के लिए कतारों में खड़ा कर देते हैं आप लोग, वो पैसे देने के बावजूद भीखों की तरह, भिखारियों की तरह लाइनों में खड़े हुए। आटा आपने कहां पहुंचा दिया? घी तेल चीनी सब आपने, आपको किसी चीज का नहीं है। सिंध कराची
हैदराबाद, मीरपुर खास, टंडोलियार, ये सब शहर यहाँ पर जाके आप लोगों को कोई ऐसी सहूलत मुझे बताएं। खास तौर पे मैं अपने शहर हैदराबाद की बात कर रहा हूँ, हैदराबाद के अंदर कोई आपने सस्ता बाजार लगाया, कोई वहाँ पर आपकी कोई ऐसी एक्टिविटीज़। लेकिन जब बात आए तो मेरा शहर, मेरा सूबा, मेरी बात, इस पाकिस्तान से यहाँ का एक एक बच्चा और यहाँ के हम सब पाकिस्तान की बादौलत बने। आज उस पाकिस्तान पे थोड़ा बुरा वक्त आया तो सब अपने अपने हो गए। पाकिस्तान के लिए किसी ने सोचा, आप अपने सूबे के लिए नहीं सोच रहे। सूबे के अंदर सबसे ज़्यादा गंदुम सूबा सिंध में, फल फ्रूट, यहाँ पर कोई चीज़, किसी चीज़ का निज़ाम नहीं है आपके पास। आप अपने जो सर्वेंट हैं उनसे पूछें, आपकी गाड़ियों में फ्यूल कम से कम 20,000 रुपये का है। आपका एक सर्वेंट, एक नौकर, उसकी तनख्वाह 20,000 है, वो अपने 4 बच्चों को लेके कैसे घर चलाएगा? आज की और आने वाला महीना माह रमज़ान का, उसके अंदर ये जो भी चीज़ें, आज आपके जो रेट है उससे दुगना रेट हो जाएगा। ये आपने जो रेट गवर्नमेंट के रेट ही है उस पर अमल दरामद हो रहा है। कोई एक निशानदेही हैदराबाद की करें, दूध की बात कर लें, आटे की बात कर लें, चीनी की, जो आपके बिठाए हुए लोग हैं उनसे पूछें कि आप प्रॉपरली उस लिस्ट पर अमल दरामद करवा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बैठ के आ जाएंगे, कभी कोई वजीर, कभी कोई वजीर, कभी वही वजीर, अपनी दिखाएंगे हमने ये कर दिया। कोई हैदराबाद के लिए तो बताएं, हैदराबाद के लिए कोई मुझे बताएं कि हैदराबाद में ये काम करके दिखाया। एजुकेशन की बात करें, हैदराबाद के अंदर मैं अपने हल्के PS 67 की बात कर रहा हूं, डबल सेशन स्कूल, वहां पर बच्चे अपने घरों से चादरें ला के नीचे फर्श पर बैठ के वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है। यहाँ पर मैंने वजीर तालीम सरदार साहब को रिटर्न में लिख के भी दिया कि यार वहाँ पर फर्नीचर नहीं है। कुशित गर्ल्स कॉलेज, वहाँ पर आज तक बच्चे बाहर से डेकोरेशन मंगवा के उन पे पेपर दिए जाते हैं सालाना। वहाँ पर किसी चीज़ को तो आप बताएं कि हैदराबाद के लिए सोचा। पेटाबाद कॉलेज वो पूरा बर्बाद हो गया, मोनोटेक्निकल कॉलेज पूरा बर्बाद हो गया। ना वहाँ पर टीचर मौजूद होते हैं, ना वहाँ पर स्टाफ मौजूद होता है, तो बच्चे कहाँ से आएंगे? आप यहाँ पर बैठ के सिर्फ सुनते हैं, उस पर कोई अमल करते हैं? क्या आपको हम अपनी राय दें, तजवीज़ देते हैं तो मानते आप, उसके बाद है जब टाइम गुजर जाता है। इसका एक मुंह बोलता सबूत, अभी आपने 53 UCs कराची के अंदर ऑन किए हैं, बढ़ाई हैं, जो हम इलेक्शन से पहले कह रहे थे जो कराची का हक है वो दिया जाए। बाद में हर चीज़ एक्सेप्ट करते हैं आप कि आप लोगों की सही ये राय थी। तो आप इस राय को सिर्फ सुनने तक नहीं, उस पर अमल दरामद भी करना चाहिए। आप किसी चीज़ को सुनते ही नहीं हैं, बात करते हैं तो फिर कहते हैं हम पर तनकीद हो रही है। किसी एक गरीब आवाम के लिए आप बताएं, मुझे बताएं तो सही, किसी के लिए कुछ किया? यहाँ पर हैदराबाद के अंदर सेवरेज की बात करें तो कोई एक बताएं, 5 साल के अंदर आपके यहां से किसी MPS को, अपोजिशन के MPS को कोई फंड दिया? आप हमें तो छोड़ें, आप अपने हलकों की जाके सूरत हाल देख लें। बस कोई एक, कोई 100-15 साल में कोई एक काम कर दिया तो आपने बड़ा तीर मार दिया। इसके लिए कौन सोचेगा? हैदराबाद जापान में, आपको यहां पर हम हर बार बता बता के थक गए कि मैडम ऐसे देखें, मैडम ऐसे करें, मैडम, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर जब देखें, ठीक है, आपका या तो वजीर मौजूद नहीं होते, आपका कोरम मौजूद नहीं होता, तो करें क्या? खाली डेस्कों को सुना के चले जाते हैं। और आप भी बस, आप बोली मिसाल का कर रहे हैं कि आपने हमारे कानों को खुश कर दिया और हम आपके कानों को खुश कर रहे हैं। यहाँ पर मैडम, मैं मैडम साहिबा बैठी हुई है, मैं उनसे ये कहूँगा कि हैदराबाद सिविल हॉस्पिटल, उस पर नज़रसानी कीजिए कि वहाँ पर 12 बेड नहीं चलेंगे, कम से कम पूरे सिंध को कवर करता कराची के बाद, 120 बेड कम से कम वहाँ पर हों। सिविल हॉस्पिटल पेटाबाद, नज़र हुसैन फलेली हॉस्पिटल, इन हॉस्पिटलों पर देखा जाए। और जो मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ, मैं जिस कॉलेज की बात कर रहा हूँ, अपना
पेटाबाद कॉलेज, मोनोटेक्निकल कॉलेज, कुशित बेगम कॉलेज और डबल सेशन स्कूल, जहां पर इन वाइंड अप कर लें प्लीज, बैठिया थे किस चीज का सुनना ही नहीं है, फिर क्या बात करें आपसे, किस चीज की आप हमारे को टाइम देते हैं स्पीच करें। नासिर कुरैशी साहब आपके 10 मिनट्स हो गए, मैं कह रही हूँ आप वाइंड अप कर लें। बहरहाल मैडम, हमने आपको बार बार अपनी राय दी है, इस पे थोड़ा सा गौर करें, गरीब आवाम का सोचें, गरीब आवाम जिस तरीके से महंगाई से लड़ रही है, आपके ये जो प्रोटोकॉल हैं इनको बंद करें, कोई गरीब आवाम का सोचें। आटा चीनी घी का, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिंध हुकूमत से, यहाँ पर मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आने वाला माह रमज़ान उसके अंदर कम से कम भी जितना भी हो सके तो गरीबों के लिए कुछ सोचें, सस्ते बाजार लगाएं, और जो ये अशिया हैं फल फ्रूट, आज गरीब आदमी हर फ्रूट से महरूम हो गया है, उसके लिए कुछ ना कुछ किया जाए, सस्ता जितना कर सकते हैं आप करें। आखिर में मैं जी मैडम, मैं हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से ये बात कहूँगा कि हैदराबाद पेटाबाद हॉस्पिटल को पर्सनली तौर पर उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको नोट करें। मैं 5 साल पूरे इन पेटाबाद हॉस्पिटल के लिए बार बार कह रहा हूँ, और पेटाबाद कॉलेज, उसको इन दो को देखा जाए, इन दो को देखा जाए, और मैं बस यही अपनी बात कहना चाहता हूँ, जो बातें हम कह रहे हैं उसको सीरियस लेके उसको अच्छी तरीके से सोचें, वरना फिर मजबूरन कोई अगर हम इत्तादी हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि जो चाहे वैसा आप करेंगे, वैसा नहीं हो सकता। हमने हर टाइम अपनी आवाम की बात की और आवाम की बात करते रहेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।